आइए आइए बैठिए बैठिए। नमस्ते, बैठिए बैठिए। आपका बेटा, देखिए सर, आपको बताने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और सारे काम टाइम टू टाइम लेता होगा। अरे मैं तो इसकी माँ उसको ऐसे बोल रही है जैसे लगता है कि पड़ोस वाली आंटी है, माँ नहीं। तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये बहुत सिंसियर है। क्या? लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है। लड़ाई? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई वड़ाई तो करता ही नहीं होगा ये। हो गया, अब मैं कुछ बोलूँ तो बोलिए ना, पकड़ थोड़ी ना हूँ। कब से बोले जा रहे हैं? तो सुनिए। हाँ बोलिए। आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा है। क्या? क्या? जी हाँ, पहली बात इसका कोई भी काम टाइम से नहीं होता और बोलता है कि मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया। और सुनिए, ये कोई सिंसियर नहीं है, एक नंबर का निकम्मा इंसान। और ये इतना बदतमीज है कि एक बार ये एक लड़के का आंख फोड़ दिया था। हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता? हाँ हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? पड़ोसी का नंबर रजिस्टर करवा के गया ये। क्या? जब मैं उनको फोन करता हूँ अपने बेटे को डांटती हैं, इसीलिए ये पेरेंट टीचर मीटिंग रखा गया है। लेकिन स्कूल तो टाइम से ही आता होगा। क्या टाइम से कभी भी नहीं आता है? आता है तो गेट पे खड़े होकर कैंटीन में खड़ा रहता है, ऐसे खाता रहता है, पीता रहता है, स्टाइल मारता रहता है, कभी क्लास में आता ही नहीं है। और एक आध बार आ जाता है तो दिन भर बैठ के मस्ती करेगा पीछे बैठ के। लोगों को पेन लिखने को दिया जाता है, ये पेन फाइटिंग करते हैं बैठ के। समझाइए, हम समझा के थक गए हैं, अब आप लोग समझाना चाहिए। और एक दिन बोलता है कि मेरी पड़ोस वाली आंटी मर गई इसलिए हम नहीं आएंगे। इतना बदतमीज है कि एक दिन मेरा बर्थडे था और कहते हैं इसने ना केक भी लाया, तो काटने गए तो पता है क्या था? वो केक नहीं था, फूला हुआ बैलून था। एक बार हिस्ट्री क्लास में क्लास टेस्ट चल रहा था तो मैम ने इससे पूछा कि बाबर कौन मारा, तो बोला नहीं मैम मैंने नहीं मारा। क्या? अरे चुप हो जा बुड्ढे भास्कर, इसने क्लास का सीसीटीवी कैमरा ही घुमा दिया था। हम बस घर चलो पहले, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। आप ही लोग उसे संभाल लीजिए। नमस्कार। बुढ़वा कुल बोल दिया आज।